दोस्तों, अगर आप एक बिजनेस में इन्वॉल्व हैं या फिर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपने ऑडिटिंग शब्द का नाम कभी ना कभी सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये ऑडिटिंग क्या होती है? दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये ऑडिटिंग क्या होती है, ऑडिटिंग को क्यों किया जाता है, ऑडिटिंग कितने तरीके की होती है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑडिटिंग आज के समय में दुनिया में जितने भी बिजनेस या जितने भी कारोबार हो रहे हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, यहाँ पर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ऑडिटिंग को हम शॉर्ट में ऑडिट कहते हैं। ऑडिट का सीधा सा मतलब होता है एक तरीके की जांच करना, या फिर इसका एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको समझ सकते हैं कि किसी भी बिजनेस के अंदर जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि कोई बिजनेस काम करता है तो वो कुछ ना कुछ खरीद बेच जरूर करता है, फिर चाहे वो ऑनलाइन करना हो, ऑफलाइन करना हो, या फिर किसी सर्विस का करना हो या प्रोडक्ट का करना हो, उनमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हमेशा रहते हैं अगर कोई बिजनेस रन कर रहा है। लेकिन ये जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं ये कहाँ तक सही है, कितना ये सही है, इस बात को प्रूव करने के लिए की जाती है ऑडिटिंग। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कोई बिजनेस रन कर रहा है, इस बिजनेस ने किसी फाइनेंशियल ईयर में अपने बिजनेस के लिए एक मशीन खरीदी जिसकी कीमत थी 1,00,000 रुपये। अब दोस्तों, ये जो मशीन खरीदी है इसको खरीदने के लिए बिजनेस अपने पास से 1,00,000 रुपये देगा, वहीं बिजनेस के पास वो मशीन आ जाएगी। ये एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड है जो कि कंपनी की जो अकाउंट बुक होती है, यानी कि जो बही खाता होता है, आज तो सब ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स पर हो रहा है, लेकिन पहले के टाइम में ये सभी काम बुक्स पर रिटर्न किए जाते थे। तो ये जो रिकॉर्ड है कि कंपनी ने 1,00,000 रुपये की मशीन खरीदी, ये कितना सच है, इसको जानने के लिए की जाती है ऑडिटिंग। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मशीन आई है 50,000 की और वहाँ पर लिख दिया गया है 1,00,000, या फिर वो मशीन खरीदी नहीं है, वहाँ पर खाली दिखा दिया है कि ये मशीन आई है लेकिन मशीन नहीं आई है। तो इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर वो होता है जो ऑडिटिंग को करता है। तो ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर उस अकाउंट्स को चेक करेगा जहां से 1,00,000 रुपये कटे हैं, डेबिट हुए हैं। वही दूसरी तरफ उसका ये भी काम है कि जो मशीन की बात की जा रही है वहां पर उस मशीन को भी देखना, फिजिकली उसको देखना कि वो मशीन एक्चुअल में बिजनेस के अंदर है कि नहीं, ये भी काम होता है ऑडिटर का। यानी कि जो रिकॉर्ड्स रखे गए हैं कंपनी के द्वारा वो रिकॉर्ड्स कहाँ तक सच हैं, वो कितना उनको विश्वास करने लायक हैं, इस चीज़ की जाँच करने को हम कहते हैं ऑडिटिंग। दोस्तों, यहाँ पर ऑडिटिंग दो तरीके से की जाती है। पहला होता है इंटरनल ऑडिटिंग। इंटरनल ऑडिटिंग में कंपनी का कोई एम्प्लॉय, यानी कि कंपनी में काम करने वाला कोई कर्मचारी भी कर सकता है, कंपनी का कोई हेड मैनेजर या फिर डायरेक्टर भी कर सकता है। ये अपनी कंपनी के अंदर इस चीज़ की ऑडिटिंग कर सकते हैं कि जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो सही हैं कि नहीं, कंपनी जो रूल्स और पॉलिसीज पर काम कर रही है वो फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं। वहीं दूसरी तरह की ऑडिटिंग होती है एक्सटर्नल ऑडिटिंग। दोस्तों, एक्सटर्नल ऑडिटिंग में एक बाहर से बंदा आता है जिसको हम थर्ड पार्टी ऑडिटर भी कह सकते हैं, जो कि कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि अगर इंटरनल ऑडिटिंग में किसी को भरोसा नहीं है, मान के चलिए कंपनी का मालिक ये विश्वास नहीं कर रहा है कि कंपनी का कोई पर्सन, वो झूठ भी बोल सकता है, लेकिन जो बाहर का बंदा होगा, जो बाहर का ऑडिटर होगा, वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि उस पर किसी का दबाव नहीं होता है। तो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के लिए यहाँ पर एक्सटर्नल ऑडिटिंग कराई जाती है, बाहर का कोई प्रोफेशनल आता है और जितने भी जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी ऑडिटिंग करता है। तो दोस्तों, ये दो तरीके होते हैं ऑडिटिंग को करने के। दोस्तों, यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ऑडिटिंग क्या होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे नॉलेजेबल वीडियोज़ को फ्यूचर में देखते रहने के लिए।